विश्व में जहां हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहीं हिमाचल का चंबा जिला शिव भूमि के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं और यहां की पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से की तहसील भरमौर में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसे मणिमहेश तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के चंबा शहर से करीब 82 किलोमीटर की दूरी पर बसे मणिमहेश में भगवान भोले मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण इसे मणिमहेश कहा जाता है। धौलाधार, पांगी व जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। हजारों साल से श्रद्धालु इस रोमांचक यात्रा पर आते रहे हैं। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने यहीं पर सदियों तक तपस्या की थी। इसके बाद से ये पहाड़ रहस्यमय बन गया। मणिमहेश यात्रा कब शुरू हुई, इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने कई बार अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। 13,500 फीट की ऊंचाई पर किसी प्राकृतिक झील का होना किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण है। तो आज इस वीडियो में हम मणिमहेश यात्रा के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिमालय की धौलाधार, पांगी और जांस्कर श्रृंखलाओं से घिरा कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से श्री राधा अष्टमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तक लाखों श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश झील में स्नान के बाद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ों, खड्डों, नालों से होते हुए मणिमहेश झील तक पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरपूर है। मणिमहेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना जाता है। जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं, वे मणिमहेश झील में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। अब मणिमहेश झील तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर लोगों को आधार शिविर भरमौर से पवित्र झील से 1 किलोमीटर पीछे गौरीकुंड तक ले जाता है। यहां एक तरफ का किराया 2,750 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है, लेकिन जो लोग पैदल यात्रा करने के शौकीन हैं, उनके लिए हरसर, धनचो, सुंदरासी, गौरीकुंड और मणिमहेश झील के आसपास रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था भी की गई है। इस यात्रा की शुरुआत हरसर या हरसर नामक स्थान से होती है, जो सड़क का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे पहाड़ी और सर्पीले रास्तों पर पैदल या घोड़े खच्चरों की सवारी पर ही सफर तय होता है। चंबा, भरमौर और हरसर तक सड़क बनने से पहले चंबा से ही लोग पैदल यात्रा शुरू कर देते थे। हरसर से मणिमहेश झील की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। पैदल तीर्थ यात्रा चंबा जिले के 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हरसर गांव से शुरू होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मणिमहेश तक कैसे पहुंचे। मणिमहेश यात्रा हरसर से पैदल शुरू होती है। भरमौर से मणिमहेश 17 किलोमीटर है और चंबा से करीब 82 किलोमीटर और पठानकोट से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा नजदीकी हवाई अड्डा है। यहां से अपने वाहन या टैक्सी के माध्यम से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं या फिर बस में भी ये यात्रा की जा सकती है। बता दें कि मणिमहेश यात्रा के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें। यात्रा मार्ग पर मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, लिहाजा अपने साथ छाता, रेनकोट व वाटरप्रूफ जूते लेकर जाएं। बारिश में सामान गीला ना हो, इसके लिए कपड़े व अन्य खाने पीने की चीजें वाटरप्रूफ बैग में ही रखें। आपात स्थिति के लिए अपने किसी साथी यात्री का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखकर एक पर्ची अपनी जेब में रखें। अपने साथ पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या यात्रा पर्ची जरूर लेकर जाएं। इसी के साथ एक खास बात का ध्यान रखें, जब प्रशासन ने यात्रा पर जिस समय रोक लगाई हो, उस समय में यात्रा करने से बचें, क्योंकि बर्फीले तूफान में आप वहां पर फंस सकते हैं।